संडे के जंग अखबार में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं, जिसमें पिशावर से लेकर कराची तक बहुत सारी वैकेंसियां हैं चारों सूबों के लिए। बहरियाज यूनिवर्सिटी हो गई, एक प्राइवेट कंपनीज़ हैं, कराची शिपयार्ड अथॉरिटी में जॉब हैं, और इसी तरह स्टेपटा और कैडेट कॉलेज बनो अकिल में जॉब्स हैं, इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब, इसमें फैकल्टी रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। कैडेट कॉलेज बनो अकिल में लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी हैं, दो असामियां हैं, बीपीएस 17 का है ये, रियाजी में मास्टर्स होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। इसी तरह लेक्चरर ब्राय इंग्लिश, इसमें भी एमए इंग्लिश लिंग्विस्टिक होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है वो 35 साल होनी चाहिए, इसकी एक वैकेंसी है। इसी तरह स्टेनोग्राफर जो है वो उसकी तालीम जो है मैट्रिक होनी चाहिए, और इसमें शार्ट हैंड की जो स्पीड है वो 100 अल्फाज फी मिनट, और कंप्यूटर में 50 अल्फाज की स्पीड इसकी होनी चाहिए। कंप्यूटर में एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट और ईमेल वगैरह चलाने में इसकी महारत हो। अब इसमें अप्लाई करने का तरीका जो है 20 जून तक आप इसमें अप्लाई करके किसी भी रजिस्टर्ड डाक या कोरियर सर्विस के ज़रिए अपना जो है वो जो नीचे पता दिया हुआ है इस पर अपनी एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। किसी भी खाली कागज़ के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन लिखकर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज पन्नो अकिल डाकखाना थरीजी सांगी तालका पन्नो अकिल जिला सखर इस पर आपने भेजना है। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्टेपटा जिसको कहते हैं उसमें जॉब्स हैं, ये सिंध के नौजवानों के लिए बेहतरीन असामियां हैं जिनका खास तौर पे डिप्लोमा वगैरह हुआ हुआ है या जिनकी तालीम बहुत कम है, जिसमें लैब असिस्टेंट की जॉब है, शॉप अटेंडेंट की जॉब है, अटेंडेंट की जॉब है, और इसी तरह डिस्पैच राइडर की जॉब है, सब ये जो है मैट्रिक की बुनियाद पर हैं। और इसी तरह ड्राइवर जो है उसमें भी मैट्रिक चाहिए, एलटीबी एचटीबी का लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड मिडिल पास होना चाहिए, और इन तमाम की उम्र जो है वो 28 साल होनी चाहिए। और ये असामियाँ जो है वो सिर्फ सिंध के नौजवानों के लिए हैं, इंटरव्यू के लिए जो है वो जो भी इसकी क्वालिफिकेशन पर उतरेगा उन्हीं को बुलाया जाएगा। अब इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 जून 2022 है। दरख्वास्त फॉर्म आप स्टेपटा की वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब में फैकल्टी रिक्वायर्ड है, इसके अलावा HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री कराची में भी जॉब्स हैं, इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी में परमानेंट फैकल्टी रिक्वायर्ड है, बिजनेस स्टडीज़ डिपार्टमेंट में, मैनेजमेंट स्टडीज़ में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी में, इसमें भी अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 24 जून है। बहरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंपली जो है वो एक डिटेल CV आपने भेजनी है हार्ड कॉपी में, किसको, HRDT हेड ऑफिस इस्लामाबाद थ्रू कोरियर, प्रीफरेबली UMS यानी पाकिस्तान पोस्ट का जो UMS है ना, अर्जेंट मेल सर्विस, उसके थ्रू आप भेजेंगे, लाजमी नहीं है कि आप PCS करें। इसके अलावा एक प्राइवेट कंपनी है, बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है, उसका नाम नहीं यहाँ पर मेंशन, लेकिन आपने उसमें मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स ICT इक्विपमेंट्स वगैरह में जॉब्स हैं, जिसमें सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एम्बेडेड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इंजीनियर, IT एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड डेवलपिंग इंजीनियर, मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कोऑर्डिनेटर, स्टोर कीपर, एसोसिएट इंजीनियर, टेक्नीशियन, ऑफिस क्लर्क, ऑफिस बॉय, नायब कासिद, इसकी जॉब्स हैं। अब इसमें सारों में तकरीबन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, फ्रेश कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और BS और MS की बेस पर ये जॉब्स हैं, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम में, इन मैकेट्रॉनिक्स में, इन डिपार्टमेंट्स में। अब ये जो नीचे जॉब्स हैं ये जो है वो ऑफिस क्लर्क जो है इंटरमीडिएट सिंपली इसमें रिक्वायर्ड है, और टेक्नीशियन जो है वो आर्म्ड फोर्सेज या NCO से जो रिटायर्ड हैं उनके लिए है। ऑफिस बॉय को भी लिटरेट होना चाहिए। 27 जून इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। इसमें भी आपने जो है वो अपनी कैरियर 635.com.pk पे जाके आपने अप्लाई करना है, और अपनी जो प्रिंटेड फॉर्म है उसको अपने CV के साथ आपने भेज देना है, किस पे, PO बॉक्स नंबर 635 GPO रावलपिंडी। ये नॉर्मली हसास इदारे होते हैं जिनका जो इस तरह से PO बॉक्स नंबर दिया होता है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी होगी ये, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें।
कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में असामियां खाली हैं, जिसमें मैकेनिकल मैनेजर, मशीन शॉप्स, क्रेन, इसमें लास्ट संडे पर भी जॉब्स आई थी, वो भी आप इस वीडियो के आखिर में देख सकते हैं। और इसी तरह मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट मैनेजर कॉरपोरेट अफेयर्स सुपरवाइजर की जॉब्स हैं, जिसमें आपने क्या करना है, कराची शिपयार्ड डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाके आपने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाएं, उसमें अपनी CV और दो अद पासपोर्ट तस्वीर और CNIC जो है वो मंदजा जेल इश्तहार के तारीख के 15 दिन के अंदर अंदर इरसाल करनी है, यानी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स वेस्ट वार डॉकयार्ड रोड कराची 7400074000, ये कोड होता है इनका, पोस्टल कोड, इस पर आपने भेजनी है। इसे आज से 15 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करके डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ भेजनी है। और आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट अगर आप होंगे तो ही आपको बुलाया जाएगा, अदरवाइज आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं, उनके लिए भी आप अप्लाई करें। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।